नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज रश्मि महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है गीतांश हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 2 साई। आपका पहला पाठ अपलोड हो चुका है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पाठ 2 यानी कि साई। आज इस पाठ में सच्ची मित्रता के बारे में आप सुनेंगे। मनुष्य वही होता है बच्चों जो जीवन में दूसरे मनुष्य के काम आए, और कुछ लोग तो मानवता की सीमा तक पहुंच जाते हैं। सच्चा मित्र अपने मित्र का साये की तरह जीवन भर कैसे साथ निभाता है, आज आप इस पाठ में जानेंगे। क्योंकि आज इस पाठ में हम एक ऐसे सच्चे मित्र की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो अपने मित्र की पूरी लाइफ टाइम में ही नहीं बल्कि उसके मरने के बाद भी मित्र के कर्तव्यों को भली भांति निभा रहा है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। साई, हम सब, आपकी प्रस्तावना लिखी हुई है, हम सब अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। सच्चा मित्र वही है जो साई की तरह मित्र का जीवन भर साथ निभाता है। यह पाठ एक ऐसे सच्चे मित्र की कहानी है जो अपने मित्र की मृत्यु के बाद भी उसके कर्तव्यों को पूरा करने का वचन निभाता है। यानी कि इस पाठ में एक करेक्टर है अज्जू के पिता, राइट। और अज्जू के पिता जो हैं वो अफ्रीका के एक अस्पताल से पत्र लिख रहे हैं जो आप पढ़ोगे अब आगे। अज्जू की एक बहन है जिसका नाम है तनु। अज्जू की माँ है जो अज्जू के साथ ही रहती है, लेकिन जो पिताजी हैं वो अफ्रीका में रहते हैं। तो सच्चा मित्र साई की तरह जीवन भर कैसे साथ निभा रहा है। नन्हे नन्हे दूध मुहे बच्चे यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेली रुग्ण पत्नी यानी कि बीमार पत्नी है, नाते रिश्ते का यानी कि आस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं जो जरूरत के टाइम पर काम आ सके। पति बहुत दूर है अफ्रीका में, अस्पताल में बीमार पड़ा हुआ है, महीनों तक कोई पत्र नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद एक दिन एक पत्र मिला, बड़ा करुण और दर्द भरा था। यानी कि वो पत्र जो था वो बहुत ही दर्द से भरा हुआ पत्र था, दया से भरा हुआ पत्र था। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा गया था। क्या लिखा था उसमें? रोग काबू से बाहर है, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। लगता है चंद दिनों की मेहमानदारी है, मतलब कुछ ही दिनों के लिए मैं यहां पर जिंदा रहूंगा, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा मुझे कुछ सूझता नहीं, यानी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा किसके पिता ने लिखा? अज्जू के पिता ने। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, ये पॉज दिए गए हैं बीच में। भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया है वो परवरिश भी करेगा, यानी कि आपका ख्याल भी रखेगा, आपका पालन पोषण भी करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती रोती। अबोध बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जिन्हें कोई भी जानकारी नहीं है, ऐसे बच्चे जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जिन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। ये चित्र आप देख रहे हैं नैरोबी के एक अस्पताल में, जो पिताजी हैं वो पड़े हुए हैं, वहां से एक पत्र आया है और नीचे अपने घर में अज्जू, उसकी बहन तनु और माँ है। माँ पत्र पढ़ के रो रही है, माँ को देखकर बच्चे भी रो रहे हैं, ठीक है। पत्नी पत्र पढ़ती रोती, अबोध बच्चे रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह तो ताकते, यानी कि रोने वाली आंखों से माँ को देख रहे हैं। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने, फिर तार डाला, तब कहीं केन्या की मोहर लगा, एक विदेशी लिफाफा मिला, लिखा था परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। अब आपको यहां पर इस चैप्टर में एक ट्रेजेडी दिखाई देगी, वो ट्रेजेडी लास्ट में दिखाई देगी जाके, ठीक है। अब उसने क्या लिखा पिताजी ने कि एक नया जन्म मिला है मुझे। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं, इस बार कुछ रुपए भी पहुंच गए। बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे, यानी कि मुरझाए हुए जो चेहरे थे, उदास चेहरे थे, वो भी अब खुश हो गए। बीमार पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सुधार की ओर बढ़ा, अब बीमार पत्नी भी ठीक होने लगी, चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही, पैसे भी आते रहे। अब आपने यहां तक पढ़ा, आपको क्या समझ में आ रहा है कि पिताजी जिंदा है या नहीं है? ये आपको पता चलेगा लास्ट में, लेकिन अभी तक आप जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि पिताजी ठीक हो गए हैं, चिट्ठियां आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, तो एक दिन पिताजी भी लौट आएंगे। ऐसा ही कुछ अज्जू और तनु भी सोच रहे हैं और अज्जू की माँ भी सोच रही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा था हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वो पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता, क्योंकि राइटिंग पहचान में आ जाएगी ना। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है, यानी कि कारोबार बढ़ा रहा है, बिजनेस बढ़ा रहा है, धीरे धीरे कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस बनाने की प्लानिंग है, यानी कि योजना बना ली है उसने।
घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे, बड़ी उत्साहजनक बातें थी, विस्तार से, बड़ी ब्रीफली नहीं पूछा गया, बड़े अच्छे खासे डिस्क्राइब वे में पूछा गया। इतना अच्छा पत्र पहले कभी भी नहीं आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबी नाव फिर पार लग रही थी, ऐसा लग रहा था डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है, यानी कि फैमिली को लग रहा था कि ये पिताजी लौट आएंगे। लगभग 3 बरस बीत गए, 3 साल हो गए, बच्चे बहुत याद करते हैं उसे, देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें, यानी कि इंस्ट्रक्शन चिट्ठी में लिखी रहती हैं, उनका वैसे ही पालन करते हैं, एज इट इज, अक्षरशः। माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं देते बच्चे, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वो भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वो पूरे 12 साल का हो गया है, छठी कक्षा में अव्वल आया, यानी कि फर्स्ट आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। तनु अब 18 पार कर रही है, यानी कि बेटी बड़ी है, उसका भी ब्याह करना है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी, लिखा था इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचूंगा, ऐसा लिख दिया। दहेज की चिंता ना करना, कहीं वर की खोज करना, यानी कि लड़का ढूंढ लेना तनु के लिए। वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता ना हुई, आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना ना मिलता, लेकिन इस भ्रम से, दुनिया को भ्रम क्या था कि कन्या के जो पिता अफ्रीका में सोना बटोर रहे हैं, अब सहज हो गया, आसान हो गया रिश्ता मिलना, सब सहज हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई, यानी कि डेट भी फिक्स हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वो समय से पहुंच रहा है, गहने कपड़े सब बनाकर वो साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वो चाकर भी पहुंच नहीं पाया। क्यों? यहां पर कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा होगा आपके। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया, मजबूरी से भरा हुआ लंबा पत्र उसने लिख दिया। इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है, उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में सब छोड़कर वो कैसे आ सकता है, यानी कि नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मजदूर हड़ताल पे हैं, मैं कैसे आ सकता हूं। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं, वर वधु के चित्र उसे अवश्य भेजे, वो प्रतीक्षा करेगा, इंतजार करेगा। खैर, विवाह धूमधाम के साथ हो गया, विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते, हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा, खेलों में भी पहला स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि 10th क्लास भी पास कर ली बच्चे ने, खेलों में भी अच्छा रहा बच्चा, सर्टिफिकेट भी पा गया, वजीफा स्कॉलरशिप भी मिल गई, इनाम में मिली सारी वस्तुओं की फोटो वे पापा को भेजना ना भूले। बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई, मरम स्पर्शी लंबा पत्र आया, यानी कि प्यार भरा। वो बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है, सारा कारोबार उन्हीं के लिए ही तो है। अब 3 बरस बीत गए, आपने पढ़ा बच्चे उनकी बातों का बिल्कुल वैसे पालन करते थे, माँ को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। तनु के ब्याह का समय भी आ गया, पिता ने बताया वो समय से आएंगे, पर वो नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो नया काम शुरू किया है, वहां मजदूरों की हड़ताल है, विवाह धूमधाम से हो गया। उसके बाद अज्जू हाई स्कूल की परीक्षा में जिला में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में अव्वल आया। नैरोबी से पापा ने बहुत से उपहार भी भेजे और एक बहुत ही टचिंग पत्र भी भेजा। बच्चों की उम्मीद पर ही वो जी रहा है, जल्दी आएगा, अज्जू पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, वो स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। अब अंत में क्या हुआ आगे देखते हैं। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव ना हो पाता, हर बार कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती और उनका आना स्थगित हो जाता, रुक जाता। समय अबाध गति से पंख लगाकर उड़ता रहा, यानी कि बिना रुके समय आगे बढ़ता रहा। बच्चों ने लिखा कि यदि उनका घर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वही बिता लेंगे। अब बच्चों ने लिख दिया कि कुछ वर्ष वही उनके साथ बिताएंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता, समय निकालकर कभी वो स्वयं घर आने की कोशिश करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता के लिए क्या किया जाए, लेकिन मजबूरी है। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना नहीं दिखी, यानी कि अभी भी लगा कि पिताजी नहीं आ रहे। अब अज्जू ने कुछ डिसाइड कर लिया, उसने लिखा अम्मा बीमार रहती है, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती है। प्रति उत्तर में, यानी कि रिप्लाई में विस्तृत पत्र मिला, बड़ा पत्र मिला, इलाज के लिए रुपए मिले, पर इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। लेकिन अब अज्जू ने डिसाइड कर लिया कि अब वो जाएगा और अचानक पापा को चौंका देगा जाकर। अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की योजना बनाई, टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीजा सब देखते देखते बन गया। एक दिन दिल्ली से वो विमान से रवाना भी हो गया, यानी कि दिल्ली से एरोप्लेन में बैठ भी गया। उसके मन में एक गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे, यानी कि क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि पापा देखेंगे, छोटे से बच्चे को देखा हुआ है, इतना बड़ा बच्चा देखेंगे हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कल्पना भी ना की होगी कि एकाएक
वह इतनी दूर अकेला, इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा? उनकी निगाहों में तो अभी भी वो उतना ही छोटा होगा जब वो सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहां ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य वहां रहते हैं, यानी कि भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय होते हैं, इमिग्रेंट जिसे आप कहते हो, तो वो वहां रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अकेले रहते हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पे इंतजार करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा कि युवक सामने बैठा ऊंग रहा है, उबासियां जैसे नींद आ रही होती किसी को। उसका नाम धाम पूछा तो उसने अपनी बाहों में भर लिया, बड़े उत्साह से स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इशारा किया, एक नन्ना बच्चा माँ की गोद में लुढ़का किलक रहा है, किलकारियां मार रहा है, ये किसका चित्र है? युवक ने घोर से देखा, कुछ झेमते हुए कहा, मेरा। वृद्ध यानी कि जो बूढ़ा था, इस बार कुछ और जोर जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए, सच इतने साल बीत गए जैसे कल की बात है। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा, तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूं, कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहां बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखाया, साथ साथ साझे में यानी कि पार्टनरशिप में हमने ये काम शुरू किया, कारोबार शुरू किया, नैरोबी किया, ये बहुत अच्छी फर्म है। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए वे बोले, तुम्हारी माँ कैसी है, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? अब बच्चे ने बोला, ना सब ठीक है, बस यही मैं चाहता था, यही। होले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया, देर तक शून्य में पलके टिकाए सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंकर खोए खोए से बोले, अब कुछ पल चुप रहे ठीक है, लेकिन अब कुछ पलों का मौन उन्होंने तोड़ा, चुप्पी तोड़ी और बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। अब यहां पर यह कहना कितना उचित था, क्योंकि तिनकों के सहारे यानी कि एक उम्मीद के सहारे, क्योंकि उम्मीद जो होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है जिसके सहारे मनुष्य बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर लेता है। और उम्मीद की अदृश्य डोर जो दिखाई भी नहीं देती हमें, वो मनुष्य में एक तरह से काम करवाने का साहस भर देती है, चाहे मनुष्य अकेला हो, असहाय हो, हेल्पलेस हो, बिल्कुल कमजोर हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां उसके सामने हो, लेकिन अगर उसे उम्मीद है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है तो वो क्या कर सकता है, एक अकेले सुनसान जंगल को भी पार कर सकता है। अज्जू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिता के मित्र ने क्या किया, एक उम्मीद की लौ जलाए रखी और सफलता की बुलंदियों को वो छूता चला गया। अब वो जाके बता रहा है, जरा सोचो बेटे, वे खांसने लगे, तुम्हारे पिता की मृत्यु अगर मैं बता देता कि आज से 15-20 साल पहले हो गई है तो क्या होता, तुम अनाथ हो जाते, तुम पढ़ नहीं पाते, तुम्हारी माँ घुट घुट के जान दे देती अपनी, तुम इतने हौसले से आज जो आए हो यहाँ आ नहीं पाते, यहाँ तुम आज हो पहुंच नहीं पाते। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए भी, कमजोर होते हुए, असहाय होते हुए, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, यानी कि कितने गहरे जो जंगल होते हैं, घने जंगल, सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे, जब हमें पता होता है कि हमारे पीछे कोई है। उनका गला भराया, तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे बेटे, अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे नियमित रूप से मैं तुम्हें भेजता रहा, कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ, मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भराया, वो दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र को ना जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। इस बुक में वो चित्र तो नहीं दिया गया, लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर अगर वो चैप्टर सुनेंगे तो आपको वो चित्र भी दिखाई देगा जो ये बूढ़े बाबा जो थे उस युवक को दिखा रहे थे। तो समय जो है वो पल भर भी नहीं ठहरता। बच्चे पिता को घर वापस बुलाते रहे, पिता वादा करते रहे, लेकिन वो पिता थे ही नहीं, यानी कि पिता मर चुके थे। तो कैसा लगा ये आपको चैप्टर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्ती जो होती है, यानी कि अगर कोई चाहे आपकी जिंदगी में मन रिश्तों के महत्व को समझना हर एक की बस की बात नहीं होती है, और मनुष्य के प्रति संवेदनशीलता हर किसी के मन में उत्पन्न भी नहीं होती है। ओके, तो इस पार्ट में आपने एक ऐसे सच्चे मित्र के बारे में जाना जिसने अपने फ्रेंड के लाइफ टाइम में ही नहीं बल्कि उसके मरने के बाद भी उसके परिवार का पूरा ख्याल रखा, हर जरूरत पूरी की, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा पॉसिबल नहीं है।
चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पॉसिबल है नहीं, लेकिन हमें करना चाहिए, तभी तो मानवता दिखाई देती है ना। तो मानवता कैसे दिखाई देगी? जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, नहीं तो हम सब कैसे जानवरों के समान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्जू परीक्षा में अव्वल आया तो पिता की तरफ से क्या क्या उपहार आए? कीमती कैमरा आया, गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई, मरम स्पर्शी पत्र आया। अज्जू के पिता किस देश में रहते थे? अफ्रीका। अज्जू के पिता की ओर से कौन पत्र भेजा करता था? उनके जिगरी मित्र, खास मित्र जो है। पिता चिट्ठी में जो हिदायतें लिखते, बच्चे उनका अक्षरशः पालन करते। पिता को हर बार कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती, उनका आना स्थगित हो जाता, बाधित नहीं हो जाता, स्थगित हो जाता। आप सेकंड पे नहीं, थर्ड पे टिक करेंगे। कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं, ठीक है। अज्जू के पिता का इलाज किस शहर में चल रहा था? केन्या में, राइट। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में अज्जू का क्या स्थान रहा था? सर्वप्रथम रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर है। एक मिनट बच्चों, सेकंड का जो ग है, कभी कभी हम तिनकों के सहारे से भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं, आपने पढ़ा है पीछे। साए मात्र के आश्रय सही ऑप्शन है, थर्ड आपका। फर्स्ट ऑप्शन पर टिक नहीं करेंगे, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं यहां पर। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि कभी कभी हम तिनकों के सहारे, क्योंकि वो सुन लेते हैं कि तिनकों का सहारा, लेकिन आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है, ठीक है। अति लघु उतरिए। पत्नी पत्र पढ़कर क्यों रोए जा रही थी? क्योंकि पत्र बहुत करुणा और दर्द भरा था। लंबे समय के बाद मिले पत्र में क्या आश्वासन था? भरोसा रखें। पिता स्वयं पत्र क्यों नहीं लिखकर भेजते थे? क्योंकि उनके हाथ का ऑपरेशन हुआ था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको आगे मिल जाएंगे रिटर्न में बच्चों, तब तक क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित कथनों का अपने शब्दों में आशय स्पष्ट करें। समय अबाध गति से पंख बांधकर उड़ता रहा। समय मतलब किसी के लिए नहीं रुकता है, बल्कि तेजी से भागता है। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए कितने भीड़ वनों को पार कर जाते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने मन की शक्ति क्षमता से किसी भी प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उनको पार कर लेता है, जब उसे पता होता है कि उसके पीछे कोई है, ओके। क्योंकि और आप जो फर्स्ट है ना, समय अबाद गति से पंख बांधकर उड़ता रहा, कई बच्चे कहते हैं कि मैम ये लाइनें थोड़ी बढ़ा दीजिए, तो आप उसमें ये भी लिख लीजिएगा कि समय पल भर भी नहीं ठहरता है। क्योंकि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पाठ के आधार पे, बच्चे पिता को घर वापस बुलाते, पिता भी वादा करते, लेकिन कोई ना कोई व्यवधान जो था वो बीच में आ जाता, यानी कि समय का चक्का जो है वो लगातार घूमता रहता है। साल दर साल गुजरता चला गया समय, लेकिन पिताजी जो थे वो वापस नहीं आए। दी गई क्रियाओं के द्वित्व रूप का रिक्त स्थानों में, ये दीर्घ उत्तरीय के उत्तर भी आपको दे दिए हैं। नियमित रूप से चिट्ठियों और रुपए आने का परिवार पर क्या असर हुआ? घर चलता रहा, उनका जीवन चलता रहा, बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई चलती रही, विवाह भी हो गया। तनु के लिए अच्छे घराने का सहज ही मिलने के पीछे कारण क्या था? कि पिताजी जो हैं वो अफ्रीका में सोना बटोर रहे हैं। परिवार द्वारा अफ्रीका आकर मिलने की बात का चिट्ठी द्वारा क्या जवाब आया? कि पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता जू जब तक, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो समय निकालकर स्वयं ही आ जाएंगे। पिता ने तनु की शादी में ना पहुंचने की क्या मजबूरी बताई? कि जो नया काम शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। अज्जू ने नैरोबी जाने का कार्यक्रम क्यों मनाया? पिता से मिलना था उसे। पिता के मित्र ने परिवार को उनकी मृत्यु का समाचार ना देकर स्वयं उनके सारे कर्तव्य निभाए, आपकी दृष्टि से क्या ये उचित था? ठीक है, अब ये उस व्यक्ति की सोच पे निर्भर करता था, है ना। हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये उचित था अब उन्होंने किया, लेकिन हाँ ये भी उचित नहीं था कि उन्होंने छिपाया कि उनके पिताजी की डेथ हो गई है। ठीक है, तो आप अपने अपने विचार दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी आप एक उत्तर जो है वो सबका नहीं हो सकता इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। दी गई क्रियाओं के द्वित्व रूप का रिक्त स्थानों में प्रयोग करना है। कभी आप घूमते घूमते हमारी तरफ भी आइए, हमारा तो जीवन यही पढ़ते पढ़ते कट जाएगा। सारा दिन सड़कों पर चलते चलते क्यों टांगे तोड़ रहे हो? तुम काम करते करते थकते नहीं, कुछ खेल भी लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7। नीचे इसी प्रकार कुछ शब्द दिए हैं, इनके अर्थ लिखिए। उत्साहजनक, उत्साह से परिपूर्ण, निराशाजनक, आश्चर्यजनक, तो लिखकर आपको सामने दे दिए। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित करके भेद बताना है। रोग काबू से बाहर है, बाहर एक जगह है, यानी कि स्थानवाचक हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। धीरे धीरे कुछ नई जमीन खरीदने का इरादा है, रीतिवाचक, एडवर्ब ऑफ मैनर। गहने कपड़े सब बनवाकर वह साथ लाएगा, सब यानी कि परिमाणवाचक। अकस्मात पहुंचकर, अचानक पहुंचकर, यह भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, अचानक जिसका मतलब होता है।
वह बाहर बरामदे में स्थानवाचक हो गया। नैरोबी की ये बहुत अच्छी फर्म है, बहुत परिमाणवाचक। अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संकटों को दूर करने की शक्ति कहां से आती है? अपने भीतर से। सदा विजयश्री को वरण करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? साहसी, धैर्यवान, निरंतर संघर्ष करने वाला। शारीरिक रूप से विकलांग होने पर सफलता कैसे संभव है? मन की शक्ति के कारण। जैके एशल क्यों प्रसिद्ध है? मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जैके एशल बहरे थे, उन्होंने होठों से पढ़ना सीख लिया, पार्लियामेंट में गूंगो बहरों के हितों की वकालत की, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गए। आहट और आन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने थे। लग में लगान बन गया, उड़ में उड़ान बन गया, घबरा में घबराहट, चिल्ला में चिल्लाहट, उठ में उठान। ये बैठ जो है वो गलत है यहाँ पर, ना तो बैठान कोई वर्ड होता है ना बैठाहट कोई वर्ड होता है, तो ये गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ में से कुछ आगत शब्द ढूंढने थे, तो वो आगत शब्द ढूंढकर आपको लिखकर दे दिए गए हैं। तो टोटल आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। एनालिटिकल स्किल के क्वेश्चन आप अपनी टीचर के साथ कीजिएगा, और इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने हो तो मैंने बता दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया सारे चैप्टर का, वहां जाकर अवधारणा मानचित्र देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, क्या पता वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी ये जो एनालिटिकल स्किल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर दे। ओके, तो टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ। टिल देन टेक केयर, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। गुड बाय स्टूडेंट्स।